में जो बच्चे हमसे दूर होकर मोबाइल को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं, उसी के विषय पर हम लोगों ने इस कहानी को बनाया। मेघाश्री है, अब इतना भीड़ है कि मेघाश्री आ ही नहीं पा रही है। इसमें असल सिनेमा विलेन के मरने के बाद शुरू होता है, जब मेरी बेटी की एंट्री होती है। तो कहीं ना कहीं उसने काम किया, इसीलिए मैंने जो अश्लीलता का छाप दुनिया ने लगाया था भोजपुरी में, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को इसमें कहीं ना कहीं रखा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं सिनेमा के लिए हम जीते हैं, अश्लीलता के लिए नहीं। एक बार देखिए, आप अपने परिवार के साथ देखिए, आपको एक भी गाना इसमें नहीं लगेगा जो डबल मीनिंग गाना है। देखिए, मातृभूमि पे इतना मोहब्बत मिलना बहुत कठिन काम होता है, और मुझे मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है और मैं लकी रहा हूँ इस मामले में। चाहे वो छपरा हो या मेरा घर ढाणाडीह हो, दोनों जगह वो सेम प्यार मुझे अपने लोगों से, अपने अपनों से मिलता है। और एक कलाकार के लिए कोई जिला तो होता नहीं, हर जिला के लोग मुझे प्यार करते हैं। तो हम तो कलाकार हैं, और हमारा ना कोई धर्म है और ना ही कोई जात है और ना ही कोई जिला, बट हम जहाँ पैदा होते हैं वो तो कहाएगा ना। तो कहीं ना कहीं इतना प्यार अपने घर में मिलना यह संभव है, लेकिन मेरे लिए इतना प्यार लोगों को देख के बहुत प्यारा लगा। हमें पहले भी बताया आपको कि संघर्ष टू एक मैसेज है आज के कल्चर के लिए, आज के प्रवेश के लिए, आज की जनरेशन के लिए, कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे हमसे दूर होकर मोबाइल को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं, उसी के विषय पर हम लोगों ने इस कहानी को बनाया है। कि मोबाइल पे जो खेल रहे हैं, काश अगर वो हमसे खेलते तो हमारे मोहब्बत को जान जाते, और काश हम मोबाइल जो अपने बच्चों को दे देते हैं, अगर हम वही टाइम अपने बच्चों को देंगे तो शायद आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे कम से कम हमारे इमोशन को समझ पाएंगे। उसी बेस पे हम लोगों ने कहानी को बनाया है, और मुझे लगता है कि मैं जितने भी इस न्यूज़ चैनल को देखने वाले लोग हैं, मैं सबसे कहूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए, अपने बीवी को दिखाइए, खुद आप खुद देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आने वाले भविष्य में, अभी आपको लगता है कि नहीं आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें दिखाइएगा तो शायद उस बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं, हमारे लिए मोबाइल नहीं, हमारे लिए हमारी माँ ज़रूरत है, हमारे लिए हमारा पिता बहुत सक्रिय है, ज़रूरी है कि पिता का प्यार पाना चाहिए, अगर खेलना है तो पिता के साथ खेलें, मोबाइल पे गेम नहीं। तो वही सब चीज़ें हैं, और उस गेम का प्लान करने वाले हमारे विलेन हैं, जो कि बहुत बखूबी इन्होंने, विनीत विशाल नाम है इनका, और इन्होंने बहुत प्यारा काम किया है। मेघाश्री हैं, अब इतना भीड़ है कि मेघाश्री आ ही नहीं पा रही हैं, और बहुत सारे हमारे मटरू भाई हैं, बहुत सारे उसमें आर्टिस्ट हैं जिन्होंने संजय पांडे जी से लेकर हमारे विनोद मिश्रा जी, समर चतुर्वेदी जी, आपके और भी बहुत सारे कलाकार हैं, नीलम जी से। शूटिंग कहाँ कहाँ से हुई है? इस सिनेमा का शूटिंग हम लोगों ने तीन जगह किया था, एक पुणे में किया था, और पहले तो हम लोगों ने बैंकॉक में किया, बैंकॉक किया, पटाया किया, उसके बाद वहाँ से जो आप लोगों ने उसमें मोटर बाइक वाला देखा होगा, पानी की बाइक जो उसमें चला रहा हूँ, वो हम लोगों ने पटाया बीच पे किया था। और कुछ बहुत सारी क्या भूमिका है बेटी? बेटी मेरी मुझसे भी बेहतर काम की, और मुझे देखकर खुशी हुई। मैं उस 20 मिनट में मैं रोया भी तो बेटी की एंट्री के बाद ही रोया हूँ। तो विलेन के मरने के बाद ऐसे भी सिनेमा ख़त्म हो जाती है, लेकिन असल सिनेमा तो विलेन के मरने के बाद शुरू होता है। इसमें असल सिनेमा विलेन के मरने के बाद शुरू होता है, जब मेरी बेटी की एंट्री होती है। तो कहीं ना कहीं उसने काम किया, इसीलिए मैंने जो अश्लीलता का छाप दुनिया ने लगाया था भोजपुरी में, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को इसमें कहीं ना कहीं रखा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं सिनेमा के लिए हम जीते हैं, अश्लीलता के लिए नहीं। तो मैं यही चाहता हूं कि हर आदमी, आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने माँ बाप को टाइम दीजिए, ताकि जीवन में संस्कार भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए इस सिनेमा को हम लोगों ने निर्माण किया, और पराग पाटिल हमारे प्रोड्यूसर साहब रत्नाकर जी, जो कि बहुत पैसे खर्चा किया इन्होंने, इधर जितने भी सिनेमा भोजपुरी में इधर बनी पहले, उससे सबसे बिग बजट की सिनेमा है, और बड़े लेवल पे इसको शूट किया गया। भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी संगीत के लिए परसेप्शन है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बात बताऊँ आपसे, हम जो सिनेमा करते हैं, आप देखेंगे तो आपको ये सवाल मन में नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ होता क्या है ना, कि सुनी सुनी बातों को हम कहीं प्रेजेंट करते थे, यही सिनेमा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और फिर आप पूछेंगे सवाल तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको कैसा लगा। तो मुझे लगता है ना कि देखने की ज़रूरत है। एक बार देखिए, आप अपने परिवार के साथ देखिए, आपको एक भी गाना इसमें नहीं लगेगा जो डबल मीनिंग गाना है, नहीं। हम लोगों ने कहानी के हिसाब से गाने को रखा है,
तो कुछ सिनेमा जब बेहतर आदमी करता है ना तो आशा भी करता है कि आप बेहतर चीज़ों को बेहतर तरीके से देखिए। ज़्यादा गाने भी नहीं, और ज़्यादा गाने भी नहीं, 4 से 5 गाने हैं हमारे। तो हमने कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा बनाने का। अब पब्लिक को मैं यही कहूँगा कि आप सब भगवान हैं और आप इसको इतना प्यार दीजिए कि अब इसी तरह की सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री में बनना शुरू हो जाए और फिर से हमारा भी एक अलग लेवल हो जाए। इस फिल्म का कुछ कोई फेमस डायलॉग जो आपका हो अपने फैंस? मत छेड़ भारत के जवानों को, नहीं तो लड़ना मुश्किल होगा, ऐसा इतिहास लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। और भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। आप एक अच्छे गायक भी हैं तो अपने जिले में आए हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा सा गीत है? रोज गाना ही सुनते हैं, रोज तो यूट्यूब पे रिलीज ही होता है। अभी का जो है ना, अभी माहौल गाने वाला नहीं है। अभी एक एज ए एक्टर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग को संघर्ष के बारे में ही बात करना चाहिए। गाना तो डेली सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे। अभी चल रहा है कि चुम्मा चीनियों से मीठी तोहार लगे लाए जान चुम्मा, तो एक पति पत्नी का अनोख जो गाना चल रहा है। तो बस कोशिश यही है कि हम लोग बेहतर काम किए हैं। बस आप लोग कोशिश करके इस दुनिया को बताइए कि अगर बेहतर सिनेमा है तो आप घर से निकलिए और उसको बढ़ावा दीजिए। नवरात्र की मेरे तरफ से, इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, संघर्ष 2 के तरफ से, खेसारी के तरफ से, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।